अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स एलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 34, इमेजेस, प्रॉब्लम 28। वो कहता है ऑब्जेक्ट ओ है, वो सेंट्रल एक्सिस पे पड़ा है स्फेरिकल और प्लेन मिरर के। डाटा आपको टेबल में दे दिया गया है। हमें ऑब्जेक्ट की दूरी दी गई है टेबल में और मैग्निफिकेशन दी गई है, दो बातें बताई गई है। फिर इसी दो डाटा से टाइप ऑफ मिरर निकालेंगे, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट की दूरी, इमेज की दूरी, मैग्निफिकेशन, इमेज रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, नॉन इन्वर्टेड है, सेम साइड पे या अपोजिट साइड पे। तो शुरू करते हैं। अब हमें बताया गया मैग्निफिकेशन प्लस वन है, तो इसका मतलब जितना कोई ना बड़ा ना कम हुआ, तो ये तो कहानी होगी प्लेन मिरर की। तो हम कहेंगे फ्लैट है या प्लेन है। अब फ्लैट मिरर के लिए फोकल लेंथ कितनी होती है? इन्फिनिटी। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना हो जाएगा? टू टाइम करेंगे तब भी इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट की दूरी हमें बता दी गई है, इमेज की दूरी हम निकाल सकते हैं क्योंकि एम भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, नेक या आपके पास -10 सेंटी आ जाएगा सेंटीमीटर में। मैग्निफिकेशन खुद टेबल में दी हुई है। अब इमेज की दूरी नेगेटिव में है तो हम कहेंगे इमेज वर्चुअल होगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में है तो इसका मतलब इमेज अपराइट होगा। अब वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के दूसरी साइड पे बनता है, तो स्टेट प्लेन मिरर के साथ आपके पास स्टोरी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।